महिला और बच्चों के खिलाफ अत्याचारों की शिकायत पर प्रभावी और त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रस्तावित शक्ति अधिनियम को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए गृह मंत्री ने अनेक महिला संगठनों, जनप्रतिनिधियों और वकीलों को आमंत्रित किया था। विधान भवन में हुई विधायी समिति की बैठक में आमंत्रित प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस कानून को मजबूत बनाने के साथ ही क्रियान्वयन के लिए अनेक सुझाव दिए। विस्तार से सभी सुझावों पर चर्चा भी की गई। सुझाव में अत्याचार की शिकार शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस कर्मी अधिकारी द्वारा ही बातचीत करने या पूछताछ करने की व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया है। वहीं ऐसे मामलों में पूछताछ कैमरों की निगरानी में करने के सुझाव भी आए हैं। कुछ ने यह सुझाव भी दिया कि अत्याचार से भयभीत शिकायतकर्ता के भय को दूर करने के लिए पहले काउंसलिंग भी की जानी चाहिए, ताकि उसका पुलिस व्यवस्था पर पूरा भरोसा हो और खुलकर अपने साथ हुए वाकये की जानकारी वे निडर होकर दे। सुझाव लिखित में स्वीकार किए गए समिति की इस तरह की बैठक 19 जनवरी को मुंबई में और 29 जनवरी को औरंगाबाद में होगी। महिला संगठनों, जनप्रतिनिधियों और वकीलों के प्रतिनिधियों से शक्ति अधिनियम के संदर्भ में सुझाव लिए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि सारे सुझाव के बाद ही कानून को प्रभावशाली बनाया जाएगा। पहले तर ज्या वेला बलात्कार होतो एखाद्या महिलेवर तर ती पोलीस स्टेशन मध्ये जाते, त्यावेळेला ती लाईव त्या पोलीस स्टेशनमध्ये कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून तिचं FIR व्हावी, कारण बरेचदा तिचं ग्राह्य धरल्या जात नाही आणि पोलीस स्टेशनमधून तिला बाहेर पण काढलं जातं की खरं आहे की नाही नंतर बघू, पण तिला कॅमेऱ्यामध्ये यावं या पद्धतीचं। आणि ज्या वेळेला एखादी बलात्कार केल्यानंतर ती पोलीस स्टेशनमध्ये जाते तर वेगवेगळ्या पद्धतीने तिच्यावर दबाव देखील येण्याचा प्रयत्न होतो, तर तिच्या परिवाराला आणि तिला देखील प्रोटेक्शन मिळावं या प्रकारची देखील तरतूद असावी असं अशा आम्ही सूचना केलेल्या आहे। अल्पवयीन मुलींवर देखील जो बलात्कार होतो त्याचा देखील समावेश याच्यात असावा, याच्या प्रकारच्या विविध संघटनांनी आता केलेला आहे। आमचे प्रतिनिधी म्हणून, महिलांचे प्रतिनिधी म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे आमचे आमदार आहे आणि मग त्या दिव्यानीताई फरांदे असेल, माधुरीताई मिसाळ आहे, मनीषाताई चौधरी आहे, श्वेता महाले या प्रतिनिधी आमच्या भाजपाच्या वतीने त्या ठिकाणी बसलेले आहेत। महाराष्ट्र में जो हम महिलाओं के खिलाफ में या हमारे बालिकाओं के खिलाफ में जिस प्रकार की घटना घटती है उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, उसी लिए हम शक्ति कायदा महाराष्ट्र में ला रहे हैं। उसके लिए जॉइंट सिलेक्शन कमेटी का भी चयन कर दिया गया है, उसकी भी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद में जॉइंट सिलेक्शन कमेटी ने नागपुर में आज आने वाली है, बाद में औरंगाबाद, बाद में मुंबई, यहाँ जाके भी जो महिला संगठन है उनको बुला के उनकी भी हम राय लेंगे कि उनके कुछ सुझाव है, वो सुझाव हम लेंगे, उनकी राय लेंगे। उसी प्रकार जो वकील संगठन है उनको भी हमने इनवाइट किया है और उनकी भी हम राय लेंगे। आज दोपहर को नागपुर में, आज मतलब आज 11 तारीख को, आज दोपहर को 3 बजे ये विदर्भा की तरफ से जो भी महिला संगठन है उनको निमंत्रित किया है, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे लिखित लेंगे, उनकी सूचनाएँ हम लेंगे। इसके बाद में 5 बजे वकील संगठन हमारे विदर्भ की जो है उनको भी हमने इन्वाइट किया है, उनसे भी चर्चा करेंगे, ताकि जो शक्ति बिल हम जो लाना चाहते हैं उसमें कोई भी मुद्दा छूटना नहीं चाहिए करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव हम बुला रहे हैं और सुझाव आने के बाद में हमारी कमेटी उसके ऊपर चर्चा करके निर्णय लेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।